तो मुझे ना रात में कोरियन नूडल्स की क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने ना बिना सोचे बनाना स्टार्ट कर दिया। वैसे हमने इस नूडल्स का चैलेंज भी किया है, तो उस वीडियो का लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा। मैंने ना इस बार दिमाग लगाया, मैंने सोचा इसका जो सॉस होता है ना, मैं वो बस थोड़ा सा डालूंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था इसका थोड़ा सा सॉस भी इतना तीखा होगा कि मुझसे हैंडल नहीं होगा। एंड मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ वो तो आपको मेरी चैलेंज वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगी। एंड यहाँ पे मुझे रियलाइज हो गया था कि मुझे कितनी भी क्रेविंग हो कोरियन नूडल्स की, मैं ये वाली नूडल्स तो कभी नहीं खाने वाली। एंड मैं ये नूडल्स रात को चोरी से किचन में बना रही थी, तो मैं चीख भी नहीं सकती थी। फिर मैंने दिमाग लगाया और अपने नूडल्स चीज स्लाइस ऐड कर दिया ताकि इसका तीखापन चला जाए। पहले तो ये नूडल्स इतने ज्यादा गर्म थे कि और तीखा लग रहा था, देख रहे हो मेरी फूटी किस्मत। एंड मैं सच में बता रही हूँ, ये नूडल्स चीज के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था। अगर आप कभी भी खाना ना, तो इसको चीज के साथ खाना, मतलब चीज और बुलडॉग कोरियन नूडल्स का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो बेस्ट है। एंड में मैंने तीखा कम करने के लिए ये चॉकलेट खाया। खैर आप बताना कि आपका फेवरेट नूडल्स क्या है। एंड हाँ, इसका फुल चैलेंज वीडियो देखना मत भूलना। बाय।